नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आठवीं कक्षा के विज्ञान का 13वां पाठ रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, इस पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। आइए हम इस पाठ का स्वाध्याय हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। धीरे धीरे, रंगीन, तीर, शीघ्र, गंध, द्विदिया, भौतिक उत्पादित, रासायनिक, अभिकारक, संयोजकीय, आयनिक, अष्टक, द्विक, आदान प्रदान, साझेदारी, बराबर का चिन्ह। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर निकालते हैं। तीर लोहे में जंग लगना धीरे धीरे परिवर्तन है। भोज पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन, इसमें विशिष्ट गंध निर्माण होती है, इसके द्वारा पहचाना जाता है। परख नली में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय के बाद द्रव्य दुधिया होता है। नींबू के रस में थोड़ा सा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफ़ेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन यह एक अभिकारक है, सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यह सहसंयोजकीय यौगिक है। हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन द्विक पूर्ण होता है। दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर Cl2 अणु तैयार होता है। शाब्दिक समीकरण लेकर स्पष्ट करो, श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर है, श्वसन जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं। श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की भाप बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की भाप से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अतः श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। शाब्दिक समीकरण ग्लूकोज धन ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं तो उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। दूसरा है, धोने की सोडा का द्रव्य मिलाने से दुष्फेन पानी सुफेन हो जाता है। दुष्फेन पानी स्वाद में खारा होता है और उसमें साबुन का झाग नहीं बनता। इसके कारण दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले होते हैं। इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने के सोडा का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बन लवण के अवक्षेप तैयार होकर वे बाहर निकलते हैं। पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुफेन बन जाता है। शाब्दिक समीकरण कैल्शियम क्लोराइड धन सोडियम कार्बोनेट से कैल्शियम कार्बोनेट धन सोडियम क्लोराइड बनता है। पानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर चूने का पत्थर अदृश्य हो जाता है। पानु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में चूने का पत्थर डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें जलीय कैल्शियम क्लोराइड तथा पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार चूने का पत्थर घुलता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। शाब्दिक समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट धन कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड धन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले दिखाई देती हैं। खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें नींबू के रस के साइट्रिक अम्ल की खाने के सोडे के सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक घटक के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले के रूप स्वरूप में तैयार होते हुए दिखाई देती हैं। शाब्दिक समीकरण साइट्रिक अम्ल धन सोडियम का बाइकार्बोनेट अम्ल धन क्षारक से नींबू रस खाने के सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट लवण तैयार होता है। तीसरा प्रश्न है, जोड़ियां मिलाओ, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन, पानी सहसंयोजकीय बंध, सोडियम आयनिक यौगिक, पानी में नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन, कार्बन ज्वलन की क्रिया, फ्लोरीन ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति। चौथा प्रश्न है, घटक परमाणुओं से निम्नलिखित यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन से दर्शाओ। अ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-8 ठीक है। सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कवच में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब सोडियम अपने m कवच
के एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तब इसका कवच L बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह स्थायी कक्षा बन जाती है, कवच बन जाती है। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं, फलतः एक प्रोटॉन अधिक होने के कारण सोडियम का धनावेशित आयन धनायन या केटायन निर्मित होता है। इसके विपरीत क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 है। इसके बाह्यतम कवच M में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक स्थायी कवच के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सोडियम का परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु को प्रदान करता है। जब क्लोरीन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्लोरीन का एक अष्टक पूर्ण होता है तथा क्लोरीन की KL तथा M कवचों में कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, परंतु क्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है, इसलिए क्लोरीन के परमाणु ऋणावेशित क्लोराइड ऋणायन एनायन का निर्माण होता है। इस प्रकार सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन और क्लोरीन के ऋणायन बनते हैं। इन दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बन निर्मित होता है, इससे इनके मध्य विद्युत संयोजी अथवा आयनिक आबंध बनता है जिससे सोडियम क्लोराइड की अणु का निर्माण होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2881 है। पोटेशियम के परमाणु के बाह्यतम कवच में एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटेशियम का परमाणु अपने N कवच के एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तब इसका कवच N बाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह स्थायी कवच बन जाता है। पोटेशियम के नाभिक में 19 प्रोटॉन होते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं, फलतः एक प्रोटॉन अधिक होने के कारण पोटेशियम का धनावेशित आयन K+ धनायन तथा केटायन या केटायन निर्मित होता है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु को देता है। यहाँ पे दिखाया गया इसकी संरचना, जब फ्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब फ्लोरीन के तथा L कवचों में कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, परंतु फ्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न होती, इसलिए क्लोरीन के परमाणु ऋणावेशित क्लोराइड आयन ऋणायन एनायन बनाते हैं। इस प्रकार पोटेशियम तथा फ्लोरीन के परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा Na का धनायन और फ्लोरीन का ऋणायन बनते हैं। पोटेशियम आयन तथा फ्लोराइड आयनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके प्रबल आकर्षण बल निर्मित होता है, इसके मध्य विद्युत संयोजी अथवा रासायनिक बंध बनता है, इससे पोटेशियम फ्लोराइड के अणु योग का निर्माण होता है। पानी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है। हाइड्रोजन के परमाणु में बाह्यतम कक्षा कवच K में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2-6 है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो H2O के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के 2 सहसंयोजकीय बंध का निर्माण करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 सहसंयोजकीय बंध 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रत्येक के साथ एक इस प्रकार बंध बनाता है, जिससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का यह परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है, अर्थात हाइड्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कवच में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका द्विक पूर्ण होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड की संयोजकीय अणु की निर्मित यहाँ दिखाई गई है। क्लोरीन तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु एक दूसरे के साथ अपने अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के द्विक तथा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से उनमें सहसंयोजकीय बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।